एक मिनट रुको रुको, श्रीमद भगवत गीता का अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 14 पढ़ा नहीं पढ़ा? मैं बताता हूँ, रुको रुको सुनो। कहता है, तत्संखाच भैर्य च पनव आनक गोमुख सहसा एव अभयनंत शब्द तुमुल अभवत। इसका मतलब है अर्थात तत्पश्चात संघ नगारे बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलापूर्ण था। यहाँ पे इसका मतलब है कि जब पितामह भीष्म शंखनाद किया, पितामह भीष्म वाला मैंने पिछले वाले श्लोक बता दिया, जाके देख लेना शॉर्ट्स में ही है, जो सब शंखनाद करके युद्ध का आरंभ किया, उसके बाद अपने दुश्मनों को आगमन दिया आने के लिए पांडवों को, उसके बाद ही बाकी सब महारथी भी शंख नगारे ढोल बिगुल ये सब बजने लगे। उनसे जो साउंड क्रिएट हो रहे थे, उत्पन्न हो रहे थे, वो सारे साउंड जो थे बहुत ही हैप्पीली और कोलापूर्ण, मतलब प्लीजेंट साउंड थे। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब राइट नाउ।